इंदौर पुलिस की कार्यशैली पर फिर से एक बार सवालिया निशान खड़े करते हुए बदमाश ने जेल से छूटते ही युवती पर किया हमला। घटना MIG थाना क्षेत्र के देवनगर की है, जहां पर युवती पर ही वहीं के रहने वाले बदमाश ने छेड़खानी करते हुए बैट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती को गंभीर हालत में MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र स्थित रहने वाली युवती द्वारा पिछले दिनों गट्टू यादव नामक बदमाश पर छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद बदमाश जेल से छूटने के बाद लगातार युवती को परेशान कर रहा था। वहीं बदमाश अपने परिवार के साथ मिलकर युवती के परिवार को लगातार धमकियां दे रहा था। युवती का घर से निकलना तक दुश्वार कर दिया था। वहीं बदमाश ने मौका पाकर शुक्रवार देर रात युवती पर बैट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना जब आसपास रह रहे लोगों को लगी तो घर से बाहर निकलकर युवती को बचाया। वहीं बदमाश भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल रहवासियों द्वारा तुरंत घायल युवती को MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पूरी घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जहां एक ओर पुलिस बदमाशों के जुलूस निकालकर वाहवाही लूट रही है, वहीं बदमाश गली मोहल्ले में आतंक फैलाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी एक लड़की है पूजा तस्करी, इसके गाल में किसी धारदार चीज से उसने किशन गट्टी गुंडा हमारे यहाँ का उसने बार किया है। लड़की मेडिकल में गई है अभी, और उसमें जानकारी सामने आई है कि किशन गट्टी का बड़ा भाई पाई, उसने विगत वर्ष इस लड़की को छेड़ा था, उसका मामला कायम हुआ था और पाई करीब 6 महीने जेल में रहा। उस बात को लेकर ये आज पहुंचा, लड़की बाहर बैठी हुई थी और इसने एकदम उसके गाल में कुछ मारा धारदार, तो इसको अभी गुंडा अभियान में कार्रवाई भी इस पर की थी, 122 भी हुआ था। शीघ्र हम गिरफ्तारी करके इसका फिर जुलूस भी निकालेंगे, प्रतिबंधक कार्रवाई बांधोर भी कराएंगे, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक ही आरोपी है, किशन गट्टी और फार्चून वहीं पास में रहते हैं देवनगर में, इसको शीघ्र गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई करेंगे। जिसने हमला किया है वो पाई का छोटा भाई है, पहले पाई ने लड़की को छेड़ा था और जेल में बंद हुआ था, तो ये किसान ये नशेलची है, शरामरा पी लेता है। अब इस बारे में अभी उसने नहीं बताया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें रंजिश तो वो है, जिसने मेरे भाई को बंद करा दिया जेल में, जमानत बहुत देर से हुई, तो वो वाली बात तो इसमें बीच में आई है।